तो हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो आज बकरीद है और रात कल मतलब चांद रात की जैसे की होती है। तो रात हम गए थे व्लॉग शूट करने रोड पर, तो हमने बहुत तगड़े तगड़े रिएक्शन लिए हैं। मैंने डांस किया है पब्लिक प्लेस में, तो कुछ नया आने वाला है गाइस, तो इस व्लॉग के बाद ही मिलेगा वो। तो और रात पूरी रात जागे गाइस। ये देखो हालत कैसी हुई पड़ी आँखें, जो मेरे साथ के पंटर थे सब सोए पड़े हैं। फजर की नमाज भी नहीं पढ़ी उन्होंने, नमाज भी पी गए वे, पर मैंने नमाज ववाज पढ़ी है क्योंकि सोया तो मैं हुई नहीं, क्योंकि नमाज ज़रूरी रहती है गाइस फजर की पढ़नी। तो अब सबसे पहले पढ़ना है हमें गाइस दुकाना, तो दुकाना वकाना पढ़ते हैं, मिलता हूँ तैयार होने के बाद, फिर दिखाता हूँ दुकाना वकाना पढ़ के, फिर भैंस वगैरह कटेंगे दिखाता हूँ फिर मैं। तो मिलते हैं आगे नहा धो के। ये देखो कैसी हो रही है हालत, फिर बाल वाल भी कटवा खाने यार। तो चलो मिलते हैं फिर। ये भैंसें वगैरह खड़ी हैं गली में और साइड में दिख रही नहीं, नहीं तुम्हें दिखाता जरूर नहीं। मौसम बड़ा शानदार हो रहा है ये देखो। तो एक गाइस तुम्हें एक चीज़ दिखानी है, ये देखो अभी मैंने तुम्हें लगभग 10-15 मिनट पहले 20 मिनट पहले मौसम दिखाया था, अब ये देखो मौसम कैसा हो रहा है। ये देखो गाइस बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है मौसम, और कुछ दुकाने का भी टाइम हो रहा है, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी गाइस। ये देखो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है यार, कुर्बानी वगैरह भी करनी है गली में, तो दिक्कत हो जाएगी गाइस। मैं तुम्हें मौसम दिखाता हूँ, एक मिनट रुको। ये देखो, और हवा बहुत तेज चल रही है बहुत ज़्यादा। तो गाइस मैटर ख़राब हो चुका है क्योंकि घटा आ चुकी है गाइस बहुत तगड़ी वाली, और कुछ दिक्कत ये है क्योंकि अगर देखो ईद होती तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, दिक्कत ये है बकरीद है, ये हमारे आके भाई हैं, अरे दिखने से अब दिखेंगे, ये भी अभी सो के उठे हैं, ये भी घबरा गए देख के मौसम को, ये ईद मुबारक बोल रहे हैं। तो दिक्कत ये हो जाएगी जो भैंस वगैरह काटेंगे गली में, बारिश होगी तो भैंस कैसे कटेगी गाइस। तो मौसम हो चुका है ख़राब, मैं अभी नहाने की सोच रहा था पर मेरा एक फ़ायदा हुआ, मेरे 2 रुपये बचे शैम्पू के, अब बगैर शैम्पू के नहाऊंगा बारिश में एकदम। ये देखो खूखार वाला। तो गाइस मैं तो दिख भी नहीं रहा हूँ मौसम के आगे, ये देखो। तो है गाइस एक दिक्कत हो चुकी है, बारिश होने लगी है, ये देखो मेरे कपड़े भी तर हो चुके हैं, और दिक्कत सबसे बड़ी ये है 15 मिनट है दुकाने में गाइस, और मैं नहाया भी नहीं अभी तक। और दूसरी चीज़ गाइस बारिश आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ नहा लूँ गुसल वगैरह कर लूँ, पर कपड़े नहीं पहनूँ क्योंकि गाइस बारिश हो रही है, देख सकते हो तुम मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, मेरी बारिश पड़ रही है यहाँ पर। तो मैटर ख़त्म हो गया गाइस, अरे ये वो लेटा है फजर की नमाज भी पी गया, मुझे लगा दुकाना भी पिएगा ये सायन, तो मैं दिखाऊँ तो मैं चादर ओढ़ के लेटा, और यहाँ बारिश हो रही है लेटा वहाँ पे जानवर, बारिश में भी बारिश होने लगी है और चादर ओढ़ के सो रहा, फजर की नमाज पी गया है वो, ऐसे ऐसे पड़े हैं फजर की नमाज पी गया हमारा, सोच रहा दुकाना भी पिए वहाँ। तो गाइस बारिश आने लगी, जिस चीज़ का इंतजार था मैटर ख़त्म हो गया गाइस। बताओ तैयार वगैरह हूँ या नहीं, क्योंकि गाइस बारिश आ रही है, मैटर यार ख़राब हो गया, अभी इतना शानदार हो रहा था मौसम बड़ा शानदार, अब बारिश तेज पे तेज हो जा रही है, तो मैं भी चलता हूँ, मेरा फ़ोन इतना वाटरप्रूफ नहीं है जो बारिश की झेल पाएगा, तो अब चलते हैं और देखते हैं, नाव आते हैं गुसल करते हैं, सोच रहा हूँ ऐसे कपड़ों से नमाज पढ़ के हूँ और आकर बताऊँ तुम्हें क्या हुआ क्या नहीं, तो चलते हैं। तो गाइस बारिश तेज हो जा रही, मैटर ख़राब हो गया, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो चलता हूँ, ये तेज हो गई, अब तो सही में अब तो मुझे भगना पड़ेगा। ये देखो गाइस कैसे सन्नाटा छा चुका है गली में, ये पड़ रही है बारिश, और इस टाइम बिल्कुल दिन निकला रहता है, रात हुई पड़ी है, ये देखो दिख रही है बारिश,
अभी मैंने तुम्हें दिखाया कैसा हो रहा था मौसम। तो भाई मैटर हो चुका है खत्म, अब बारिश हो रही है बहुत तकलीफ है, भैंस हो रही है, बारिश की बारिश है। तो भाई जैसे कि अपने रूम में आया हाथों के साथ ही अम्मी ने पकड़ा दिया मुझे घिया कस और गोला मुझे कस ही नहीं तो दिखाऊँ तो मैं कस रहा हूँ ना और गोला भी खा रहा हूँ। ये पकड़ा दिया खीर के लिए मुझे तेज है कस मुझे। तो हे गाइस कैसे हैं आप सब। तो मैंने दिखाया था दुकानें उकाने पड़ने होंगे तो मैं सो गया था दुकान पड़ के आने के बाद क्योंकि बारिश वगैरह हो रही थी बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब था। तो अब तो सही है फ़िलहाल मौसम। तो ये देखो हालत बेकार हुई पड़ी है। अब तो खैर सब निमट गया है लगभग। अब एक बज रहा है असर जोर की अजान हो रही है तो उसके बाद देखते हैं क्या करना। गाइस मैटर ख़राब हो गया करना क्या है। अब ब्लॉग का करते हैं गाइस एंड और चलते हैं हम भी। थोड़ा और सोता हूँ यार नींद आ रही है मुझे हालत ख़राब है पूरी रात गलती जा गई है दिखूँ मैं थका पड़ा हूँ। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ रिएक्शनों के साथ। और कमेंट में बताओ यार रिएक्शन कैसे चाहिए पब्लिक प्लेस वाले या व्लॉग शूट वाले या डांस वाले। ठीक है तो टाटा बाय बाय मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।